स्मार्ट एल्युमिनियम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं ये 40 mm का ओपनेबल विंडो, और ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें बट इंजिस लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग का यही होता है कि ये बट इंजिस किस प्रकार लगाया जाता है। तो ये इंजिस देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे लगा हुआ है, बट हम आपको खोल के दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा ओपन हो जाएगा, जितना खोलेंगे उतना पूरा ओपन हो सकता है। बट इंजिस में यही खासियत रहता है, पूरा सीधा हो जाता है। ये इंजिस आप देख सकते हैं लगा हुआ है फिलहाल, अभी इसमें एक स्क्रू लगेगा बीच में, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं एक इंजिस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरीके से लगता है, और लगने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उठा के आप निकाल भी सकते हैं। देख सकते हैं ये निकल गया, दोनों पल्ला अलग अलग हो गया। एक बार वापस फिर से लगाओ दोस्तों, बहुत आसान है इसमें लगाना। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें सेंटर में मिलाना है, इसमें जगह रहती है, एक कैप इसमें घुस जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से एक कैप आता है वो लगा सकते हैं। तो ये अभी बंद करो, ये देख सकते हैं ये पल्ला हमारा बंद हो गया। तो इसमें अभी हैंडल वगैरह बाकी है, ग्लास लगाना बाकी है। तो हम चलिए आपको इंजिस लगा के दिखाते हैं किस प्रकार बट इंजिस लगाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम खोल रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए किस प्रकार हम इसको लगाते हैं, ठीक है। चलिए पूरा खोल लेते हैं। अभी ये आउटर है, आउटर सेक्शन है, इसमें खोल के पूरा इंजिस हमारा देख सकते हैं यहाँ पर निकल गया। 40 mm का ओपनेबल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। अब इसको हम इंजिस कैसे लगाएंगे, बट इंजिस आप लोग को लगाने के लिए दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये वाला जो है ये आउटर सेक्शन में लगेगा, और जो शटर सेक्शन में लगता है आप देख सकते हैं ये वाला हमारा शटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये रबड़ कटिंग करना पड़ता है, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कटिंग कर दिए हैं, बट जहाँ आप लगा रहे हैं लगाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं ये, देख सकते हैं ये हमारा शटर में लगेगा, ये शटर में लगता है, और दूसरा देख सकते हैं ये, ठीक है, ये हमारा आउटर सेक्शन में लगता है। तो इसे हम नहीं लगाएंगे, ये वाला हम शटर में लगाएंगे जिसमें हम ग्लास लगाते हैं, मोलियन जिसको बोलते हैं, उसी में शटर वाले सेक्शन में इसको लगाना है। तो ये आपको जो ये देख सकते हैं ना, ये पहले आपको ये लगाना है, ये लगाने के बाद आप इसमें आप देख सकते हैं फंस जाता है। तो इस प्रकार आपको रबड़ कटिंग कर लेना है दोस्तों। जो ये स्टील का ये है इसको पहले इसमें डालेंगे, ठीक है, इसमें फंस जाता है, अंदर ग्रू है। और ये जो टेढ़ा वाला है देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको इसमें डालेंगे, ठीक है, इसमें फंस गया फिर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं होल है, तो इसमें हमें स्क्रू लगा देना है। बट इंजिस लगाते समय आप इतना ध्यान रखना है कि छोटा फलका है तो यहाँ से थोड़ा दूर पे आपको लगाना है, ठीक है, 3-4 इंच छोड़ देना। मैं तो यहाँ पे 3 इंच लगभग छोड़ दिया हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसका स्टील का नीचे मैं लगा दिया हूँ। अभी इसको स्क्रू, जो छोटा वाला स्क्रू है आप देख सकते हैं, ये स्टार स्क्रू स्टील का है, तो ये इसमें हम लगाएंगे। ये लगाने के बाद दोस्तों आपको केवल स्क्रू टाइट कर देना है, ठीक है, ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये इतना ही टाइट करना, ठीक है, फुल मजबूत होना चाहिए अच्छे से। इसमें दोस्तों स्क्रू कंपनी नहीं देता है, इसमें आपको 13-6 का या 13-8 का स्क्रू लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों हमारा इंजिस जो है शटर वाले में हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब ये हमारा आउटर सेक्शन हो गया, इसमें भी हम इंजिस लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों साइड में से उतना ही छोड़ना उसका मेज़रमेंट करने के बाद। तो आपको सिंपल है, ये वाला स्टील का इसमें रख देना है और इसको इस तरीके से लगाना है, ठीक है। देख सकते हैं एक इंजिस हमारे यहाँ पे लग चुका है आउटर में, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ। ये स्टील का आपको लेना है और इस तरीके से इसमें रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको इस साइड में रखना है, इस साइड में करेंगे तो इसमें फंस जाता है, थोड़ा सा ग्रू रहता है। और आपको इंजिस इस तरीके से नहीं लगाना है, बैठेगा ही नहीं दोस्तों, इसको इस तरीके से लगाना है। बट ये जो स्टील का है इसके ऊपर ही रखना है, ठीक है। इसमें स्क्रू कसने का देख सकते हैं होल किया कंपनी ने, तो इसमें आपको इस तरीके से रखना है। और ये जो दो स्क्रू है स्टील का स्टार वाला आप देख सकते हैं, तो इसको इसी में एक इसमें टाइट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक स्क्रू टाइट हो गया है,
स्क्रू फाइनल हुआ, देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा हो गया आउटर, इसमें भी इंजिस कंप्लीट है। ये हमारा हो गया शटर, इसमें भी इंजिस कंप्लीट है। देख सकते हैं ये एक दूसरे से आधा इंच के डिफरेंट में होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम बराबर, ठीक है, इस तरीके से बैठना चाहिए। अब इसको हम निकालेंगे और ये जो लोखन का गुल्ली है इसको हम इसमें डालेंगे। इसमें देखिए देख सकते हैं जगह है, ठीक है, इसमें हम डालेंगे ये गुल्ली इस तरीके से और नीचे वाले में भी डालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये हम उसमें उठा के डाल देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, बस देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से बट इंजिस लगाया जाता है, बहुत आसान तरीका है दोस्तों लगाने का, ठीक है। अब इसमें आप ग्लास लगा सकते हैं और इसमें माइनस कितना होता है दोस्तों मैंने आपको इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था, फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ आपको, डेढ़ इंच हाइट में माइनस करना है, डेढ़ इंच चौड़ाई में माइनस करना है, ठीक है, डेढ़ इंच हाइट में, डेढ़ इंच चौड़ाई में। और आपको ये मटेरियल कटिंग करना है शटर वाला, आउटर वाला आपका परफेक्ट मेजरमेंट से कटेगा जो आपका मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। तो इंजिस का माइनस नहीं होता है दोस्तों, चाहे आप इसमें कैंची इंजिस लगा रहे हैं चाहे बट इंजिस लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए और इंजिस इस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।